गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे मैथ्स। ओके, तो मैथ में पहले आपने 2.1 करी हुई है ना, आज आपको करवाएंगे 2.2। ओके, तो 2.2 में हमने क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान भरो। ये देखो, 2728 प्लस 1112 इज इक्वल। इक्वल का मीनिंग क्या होता है, बराबर। ओके, ये सेम होने चाहिए यहाँ पे। तो इज इक्वल डैश प्लस 2728, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा। ओके, ये बताना है। अब ये सेम आना चाहिए, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल। यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आएगी कि प्लस करने के पर ये सेम आए, तो हम इजी करते हैं। 2728 यहाँ पे इक्वल के बाद देखो 2728 है ना, अब यहाँ पे क्या आएगा, यही ये वाली संख्या आएगी 1112। ओके, ऐसे ही करना है 1124 प्लस 5000 इज इक्वल 4549 प्लस 1124। अभी यहाँ पे तो दो संख्या यहाँ पे वन है, इन दोनों को प्लस करने पर यहाँ पे सेम आना चाहिए, तो हमारे यहाँ पे कौन सी संख्या नहीं है, 4549। तो राइट करना है 4549। ओके, ऐसे यहाँ पे क्या करना है, सेम होनी चाहिए। इधर ये देखो 543, तो यहाँ पे कौन सी संख्या नहीं है, ये वाली 5666। ओके, तो यहाँ देखो 6543 प्लस 234 प्लस 111 इज इक्वल। इक्वल मतलब बराबर, 234 यहाँ भी है और 6543 इधर भी है। यहाँ पे कौन सी संख्या नहीं है, 111। ओके, तो यहाँ 2318 प्लस 462 प्लस 102 इज इक्वल 462 प्लस क्या, कौन सी संख्या यहाँ पे लिखेंगे कि इन दोनों का जोड़ सेम आ जाए, तो 2318 यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे, 102। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये अब ये दोनों आपने देखने हैं। ओके, घर पे कर लेना आप फिर नोटबुक में। ओके, अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।